प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं, और आज का जो सब्जेक्ट हमारा होने वाला है, ये सब्जेक्ट हमारा होने वाला है आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल, जिसको शॉर्ट में CEMB कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल ये जो सब्जेक्ट है, ये बीटेक 8 सेमेस्टर में पढ़ना है, और ये एक इलेक्टिव पेपर है। क्या है ये? एक इलेक्टिव पेपर आपका है। हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट जो है आपके लिए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लिया गया है। ओके, इसमें सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो सिलेबस भी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जो आपके यूनिवर्सिटीज के द्वारा दिया गया सिलेबस है उसके बारे में। डिज़ाइन, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूनिक टू सिविल इंजीनियरिंग, स्टोन्स, ब्रिक्स, मोटार, प्लेन, रेनफोर्स एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, स्ट्रक्चरल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, कार्बन कंपोजिट्स, प्लास्टिक्स इन कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, साइक्लिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो एक कह सकते हैं चैप्टर के तौर पे वो आपका निखर कर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे पहला पॉइंट अपना डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्टोन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई, स्टोन होता क्या है? तो स्टोन एक इसेंशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, जो कि बनता है आपका रॉक से। किससे बनता है? रॉक से फॉर्म होता है। डैट कॉम्प्रोमाइज द क्रस्ट ऑफ अर्थ, देयरफॉर हैव नो रेगुलर शेप और केमिकल कंपोजिशन। इसके पास कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, केमिकल कंपोजिशंस भी एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसमें मोर देन 2 या उससे भी ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं हमारे रॉक्स में, और उससे बनता है हमारा स्टोन्स। मिनरल्स इज अ मटेरियल, मिनरल्स जो होता है वो एक मटेरियल्स होता है, जो कि आपका प्रोड्यूस्ड होता है बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मैकेनिज्म से, जो एग्जिबिट करता है एक डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशन, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स खुद का इंक्लूडेड होता है। जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड, रोबस्ट, एट दे लुक लाइक डिसेंट। ये कोई अच्छा नहीं दिखता है, ये डिसेंट नहीं, डिसेंट दिखता है, कोई अच्छा नहीं दिखता, मतलब ठीक ठाक दिखता है, ये आप कह सकते हो। क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर बात किया जाए, स्टोन्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टोन्स के, वो स्पेसिफाई किया जाता है उसके फंक्शनलिटी के बेसिस पे। फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और प्रेजेंटेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोन जो होता है वो रिलेबली एंड रफली डिटरमाइंड किया जाता है बाय एग्जामिनिंग इट्स सोर्स एज वेल एज केमिकल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज आउटकम्स ऑफ टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स। है ना, जो भी टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स होता है उसके। रॉक्स आर कैटेगराइज्ड एज, जो रॉक्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला, एज पर जियोलॉजिकल ओरिजिन्स रॉक्स जो है कैटेगराइज किया जाता है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। एज पर फिजिकल टाइप्स रॉक्स को कैटेगराइज किया जाता है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। एज पर केमिकल स्ट्रक्चर रॉक्स को कैटेगराइज किया जाता है सिलिसियस, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस। तो ये 3 तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, और हर कैटेगरी में 3 टाइप्स के कैटेगराइज आपका किया जाता है।
तो एज पर जियोलॉजिकल अगर बात किया जाए तो रॉक्स को कैटेगराइज किया जाता है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स वह रॉक्स जो डेवलप होता है कब, जब सबस्टांस लिक्विड फॉर्म में या पार्शियली मोल्टन फॉर्म में होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और वो जब ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद रॉक सॉलिडिफाई माने सॉलिड फॉर्म में आता है, इंटरनल सरफेस ऑफ प्लैनेट से निकलकर बाहर सरफेस पे आता है और एलिवेटेड टेम्परेचर्स को अलाउ करता है और वो मतलब लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, तो वो हमारा जो है कहलाता है क्या, तो इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है वोल्केनिक इरप्शंस के मदद से फॉर्म होने के बाद सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, तो वो हमारा कहलाता है इग्नियस रॉक। बात किया जाए आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है या प्रोड्यूस होता है मोस्टली बाय एक्युमुलेशन ऑफ मिनरल्स एक्युमुलेटेड इन सच अ केस ऑफ ईच ऑफ द एफॉर्मेशन थ्री वेज, तीन तरीका होता है, जिसमें पहला होता है मैकेनिकल डिग्रेडेशंस और इवेंचुअली एक्युमुलेशन ऑफ मेनी अदर स्टोन्स टाइपिकली बाई वाटर लाइक इन द सिचुएशन ऑफ सैंड स्टोन्स और लाइम स्टोन्स। इसका जो बिहेवियर होता है ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स के जैसा होता है लाइक इन द सिचुएशन ऑफ कोरल, केमिकल डिपोजिशंस होता है केमिकल का। दूसरा होता है मैकेनिकल रॉक्स, फ्रेगमेंटेशन रॉक्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स आइदर मैकेनिकल ब्रेकडाउन और अदर रॉक्स जो कि वेल ट्रांसपोर्टेड होते हैं और सेल्स सैंड स्टोन्स एज वेल एज कॉन्ग्लोमेरेट्स, ये टिपिकली जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है जो कि मैकेनिकल ओरिजिन हमारा होता है। दिस कुड बी डाइल्यूटेड विद द वाटर फॉलोइंग थ्रू द पेरेंट रॉक्स फॉर्मेशन इंस्टेड वाश्ड इनटू द सी और लेक बाय प्रिसिपिटेशन अगेन फ्रॉम द सॉल्यूशन लाइक हेलाइट जिप्सम एज वेल एज अनहाइड्रेट जो कि प्रोड्यूस होता है आइदर इवेपोरेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट एज वेल एज रिजल्टिंग द एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये जो तरीका है ना सेडिमेंट मतलब इकट्ठा होकर जो रॉक्स बन रहा है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। और फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है ये इस तरह एक ऐसा कैटेगरी ऑफ रॉक्स होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है व्हेन एवर रॉक कंटेंट इनकाउंटर्स एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन अर्थ क्रस्ट। मेटामॉर्फिक रॉक्स अकर एज प्री एग्जिस्टिंग रॉक एक्सपीरियंस मिनरल्स एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। दिस मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन रॉक एज इट इज फॉर्म। जो चेंजेस हमारा होता है रॉक में रिमेन्स फर्म सिंस ईच मिनरल इज ड्यूरेबल जस्ट अबव अ सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से जो भी रॉक्स में चेंजेस देखने को मिलता है तो उस चेंजेस के बाद जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। जो मिक्सचर्स होता है मिनरल्स का वो एक इफेक्टिव होता है अक्रॉस पार्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर स्केल्स के एट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स अबव द स्पेसिफिक रेंज द मटेरियल्स कंडेंस टू प्रोड्यूस वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल्स। These combinations of minerals are termed as mineral assemblies, है ना, mineral assemblies हमारा कहलाता है। अगर बात किया जाए metamorphic rock के बारे में तो one mineral assemblies switch करता है to another atoms के को shift में in solid form और वो combine करता है और create करता है एक नया chemical को। ये जो ट्रांसजिशंस होता है थ्रू वन मिनरल असेंबली
और अदर कंसीडर किया जाता है मेटामॉर्फिज्म। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिज्म। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है नोन आफ्टर देयर की टेक्सचर्स, टेक्सचर ऑफर करता है एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स अबाउट हाउ द रॉक वाज डेवलप्ड। जो टेक्सचर्स होता है रॉक का वो भी हमें बताता है कि रॉक का फॉर्मेशन भाई हमारा किस तरीके से हुआ है, ये हमें उससे पता चलता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो छोटा सा सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि आपका बेहतरीन तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सके। जो भी आपको डाउट्स होता है उस डाउट्स को आप लोगों के साथ क्लियर किया जा सके। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।